नेशनल लिपिड डे के अवसर पर आज हमारे साथ है देश और हमारे शहर के जाने माने प्रसिद्ध डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर कामरान खान भागलपुर से, जो आज हमें लिपिड और उसके हृदय पर होने वाले प्रभाव के बारे में अधिक जानकारी देंगे। सर, आपका स्वागत है डॉक्टर आरएक्स टॉर रेडियो टॉक शो पर। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि डिसलिपिडेमिया क्या है और डिसलिपिडेमिया के कारण क्या है। डिसलिपिडेमिया या शरीर में वसा की मात्रा ज्यादा हो जाना, या आम जुबान में हम लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, इसको डिसलिपिडेमिया कहते हैं। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं और सबसे बड़ा कारण भारत में जो है वो मोटापा है। बहुत ज्यादा खाना, कैलोरीज ज्यादा लेना, तली हुई चीजें ज्यादा खाना, उसके साथ साथ व्यायाम नहीं करना, चलना फिरना नहीं ज्यादा, ये इसके कारण है। कभी कभी ये फैमिली में भी होता है, फैमिलियल डिसलिपिडेमिया हम लोग कहते हैं। अगर फादर मदर को है तो उनको भी ये हो सकता है। डॉक्टर, आप अब हमें ये बताएं कि नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल LDL और HDL लेवल्स क्या होते हैं। LDL और HDL बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज होते हैं, ये लिपिड का एक पार्ट है, और LDL जितना कम रहे उतना अच्छा है। नॉर्मली हम लोग कहते हैं 100 होना चाहिए, लेकिन डायबिटिक पेशेंट या ऐसे पेशेंट जिनको हार्ट डिजीज है उनको हम लोग 70 तक LDL रखने की सलाह देते हैं। और HDL की वैल्यू रहनी चाहिए फीमेल में कम से कम 50-55 के आसपास रहनी चाहिए और मेल में 45 रहनी चाहिए। HDL जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा है, LDL जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। डॉक्टर, कोलेस्ट्रॉल को हेल्दी लेवल्स में रखने के लिए रोगी अपने जीवन शैली में आहार और व्यायाम द्वारा क्या परिवर्तन कर सकता है? जितनी हम लोग फैटी चीज अवॉइड करेंगे, बाहर की जो जंक फूड है उसको अवॉइड करेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। और घर के बने हुए खाने खाए जाएं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या ग्रीन सैलड्स वो बहुत ज्यादा खाना है, फल का सेवन कीजिए और कम से कम हफ्ते में 150 मिनट पैदल जरूर चलें, यानी 30 मिनट पर डे 5 दिनों तक। इसके साथ साथ योगा कर सकते हैं आप, मेडिटेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं और खाना सादा रखें। डॉक्टर, अब हमारे लिसनर्स को आप ये बताएं कि डिसलिपिडेमिया के रोगियों को कितनी बार अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच करानी चाहिए? अगर किसी पेशेंट को डिसलिपिडेमिया है, यानी उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल काफी हाई है या ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई है, उनको हमेशा इसकी दवा लेनी होगी। अगर बहुत ज्यादा हाई है तो शुरुआती साल में 3 महीने पर चेक कराना है, लेकिन नॉर्मल अगर हाई है तो फिर हर 6 महीने पे चेक करा लेना बहुत जरूरी है, लिपिड प्रोफाइल और सीरम लिपिड्स, और अपने डॉक्टर से भी मिल लेना जरूरी है। इसकी दवा अगर डॉक्टर साहब ने लिखी है तो उसको बिना पूछे बिल्कुल नहीं छोड़नी है। डॉक्टर, आप अब हमें ये बताएं कि नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल LDL और HDL लेवल्स क्या होते हैं। LDL और HDL बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज होते हैं, ये लिपिड का एक पार्ट है, और LDL जितना कम रहे उतना अच्छा है। नॉर्मली हम लोग कहते हैं 100 होना चाहिए, लेकिन डायबिटिक पेशेंट या ऐसे पेशेंट जिनको हार्ट डिजीज है उनको हम लोग 70 तक LDL रखने की सलाह देते हैं। और HDL की वैल्यू रहनी चाहिए फीमेल में कम से कम 50-55 के आसपास रहनी चाहिए और मेल में 45 रहनी चाहिए। HDL जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा है, LDL जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। डॉक्टर, कोलेस्ट्रॉल को हेल्दी लेवल्स में रखने के लिए रोगी अपने जीवन शैली में आहार और व्यायाम द्वारा क्या परिवर्तन कर सकता है? जितनी हम लोग फैटी चीज अवॉइड करेंगे, बाहर की जो जंक फूड है उसको अवॉइड करेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। और घर के बने हुए खाने खाए जाएं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या ग्रीन सैलड्स वो बहुत ज्यादा खाना है, फल का सेवन कीजिए और कम से कम हफ्ते में 150 मिनट पैदल जरूर चलें, यानी 30 मिनट पर डे 5 दिनों तक। इसके साथ साथ योगा कर सकते हैं आप, मेडिटेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं और खाना सादा रखें। स्वस्थ तन में स्वस्थ हृदय धड़कता है, जिसकी धड़कन जीवन को खुशहाल बना देती है। आइए इस 10 मई 2023 नेशनल लिपिड डे के अवसर पर RX टॉर रेडियो टॉक शो पर जानिए कैसे रखें अपने दिल का खास ख्याल। देश और हमारे शहर के जाने माने डायबिटीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर कामरान खान, तो ट्यून इन करना ना भूलें 10th मई 2023 को सुबह 10 से 12 बजे तक। 94.4 रेडियो एक्टिव, अ पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय इपका लेबोरेटरीज लिमिटेड, द मेकर्स ऑफ RX टॉर एंड RX टॉर गोल्ड।